बात पाकिस्तान की करते हैं। देखिए, पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी से पूरा देश आग बबूला है, रोष में है, गुस्से में। भारतीय जनता पार्टी आज बिलावल के खिलाफ प्रोटेस्ट मार्च भी निकाल रही है और पाकिस्तान को सख्त संदेश है कि वो आतंकवाद के सवाल से किनारा करना बंद कर दे। ये गुस्सा पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा प्लान के खिलाफ है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने पाकिस्तान के पोल खोल कर रख दी, उसकी साजिश वाली सोच की बखिया उधेड़ दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर पाकिस्तान के साजिश वाले चेहरे से नकाब हटाकर असलियत पूरी दुनिया को बता दी। The credibility of the UN depends on its effective response to the key challenges of our times, be it pandemics, climate change, conflicts or terrorism. While we search for the best solutions, what our discourse must never accept is the normalization of such threats. The question of justifying what the world regards as unacceptable should not even arise. That certainly applies to state sponsorship of cross-border terrorism. और पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो तो पूरी तरह बिलबिला ही गए। बिलावल भुट्टो ने भाषा की सारी सीमाएं लांघ दी और उन्होंने गुजरात दंगों और आरएसएस का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल किए। बिलावल के उस बयान पर अब देश भर में आक्रोश है। बीजेपी आज देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कल दिल्ली में भी पाकिस्तान हाई कमीशन पर बीजेपी ने प्रदर्शन किया था। ये विरोध पाकिस्तान के लिए पैगाम है कि वो आतंक के सवाल पर कुछ ठोस करे। आज तक ब्यूरो।